कबीत, इसके कवि हैं भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान टिकावापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका उपनाम कवि भूषण था। कवि भूषण था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त थी। आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहजी और पन्ना के बंदेला राजा छत्रसाल। विशेष रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चितामणि त्रिपाठी और मत्ती राम भीषण के भाई के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कृतिया शिवराज भूषण शिवाबानी छत्रसाल दशक भूषण हाजरा भूषण उल्लास दूषण उल्लास आदि यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। यह एक वीर रस के कवि हैं। इस कविता में भूषण शिवाजी के स्वर्य के बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी मलेच्छ पर उसी प्रकार राज हैं जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि के पानी पर और राम का दंभ से भरे रावण पर है। इस पंक्ति में भूषण ने शिवाजी के स्वर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। भूषण शिवाजी की स्वर्य की बखान करते हुए कहते हैं कि मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवा का बादल पर भगवान शिव की रति के पति पर और परशुराम के अस्त्र बहु पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के स्वर्य की तुलना हवाओं से शिव और परशुराम के साथ की है। वह कहते हैं, भूषण कहते हैं कि उस जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष के डाल पर, चीता का हिरण के झुंड पर और हाथी का सिंह राज है, उसी प्रकार भूषण ने शिवाजी के स्वर्ण की तुलना जंगल, आग, चीता और सिंह साथ की है, सिंह के साथ की है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी की स्वर्ण की बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी मलेच्छ पर उसी प्रकार राज हैं जिस प्रकार उजाले को अंधेरे पर, कृष्ण का कंस पर। और इस पंक्ति में भूषण ने शिवाजी की स्वर्ण की तुलना उजले और कृष्ण के साथ की है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की वीरता, धीरता और पुरुषता का वर्णन कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है जैसे कि प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तीर बितर कर देता है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को कर देती है। भूषण कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाता है और रुद्र शिवा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंड सिर का माला अर्पित कर देता है। वो कहते हैं भूषण कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूँ। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। भूषण ये भी कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है जो शत्रु के दल सहंकार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद दे रही होती है।